unites.com redefining Bollywood. बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं है तो बिग बॉस के घर में अपने आप को फिट रखना कितना चैलेंजिंग था या क्या? पहले जब मैं गई थी बिग बॉस में मैं जिम जाती थी, लेकिन फिर मंडे ट्यूजडे हमारा टास्क होता है 48 आवर्स के लिए आपको नींद नहीं आती है, सही खाना नहीं मिलता है। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक्चुअली इतना वर्कआउट मत करना क्योंकि वो एनर्जी उस टास्क के लिए चाहिए। लेकिन जो फाइटिंग हुआ, फाइटिंग के साथ बहुत एक्सरसाइज होती है। अगर फाइटिंग की बात करें तो अब वो फाइनली उनको अरेस्ट किया गया था और अब छोड़ भी दिया गया है बेल, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैं बहुत ना खुश हूँ कि उसको इतनी जल्दी बेल मिली और इतनी जल्दी पुलिस ने उसको छोड़ा, और मैं जानती नहीं हूँ कि क्यों इतनी जल्दी हुआ। और मेरा जो वकील है वो अभी सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ओपन केस है। और ये भी आपको देखना है, मैंने सिर्फ 3 सेक्शन का FIR फाइल किया। जब पुलिस ने वीडियो देखा, उन्होंने 2 और खुद डाला, उन्होंने सेक्शुअल असॉल्ट भी डाला जो मैंने नहीं डाला, उन्होंने डाला उसको देखने के बाद। फिर जो अगर पुलिस ने वो वीडियो फुटेज देखा और उनको पता लगा और उन्होंने देखा हाँ जो सोफिया बोल रही है वो सही कहा, और उसके ऊपर उन्होंने और डाला कि उसको क्यों इतनी जल्दी छोड़ा, ये मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा सोफिया, इस पूरे मामले में सलमान ने बहुत सपोर्ट किया। सलमान ने अरमान को बोला कि जो उसने किया कि वो सही नहीं था और सोफिया सही थी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मेरा एक चीज़ है कि बिग बॉस को एक्चुअली अरमान को इसी वक्त निकालना था, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि नो वायलेंस नो पर्सनल, और जब उसने मुझे मारा मैं सोच रही थी कि उसी बात कोई आएगा उसको निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। और जब एंडी का मामला हुआ उन्होंने एकदम उसको निकाला। सो दिस इज माई प्रॉब्लम दैट दिस शुड हैव हैपेंड, कि उसने मुझे मारा, पुलिस ने भी बोला कि उसने मुझे मारा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ वायलेंस होता है फिर हम निकालेंगे, लेकिन मेरा प्रोटेक्शन नहीं था उसी बात। ऑब्वियसली सलमान को ये बोलना है कि हैप्पी बर्थडे सलमान खान, मैं ये चाहती हूँ कि अगले साल आप और जवान लगते हो, क्योंकि आप बूढ़े नहीं बनते हो, आप सिर्फ जवान 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 ही रहते हो। न्यू ईयर विश। हाँ, आई वॉन्ट टू विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड मे यू बी हैप्पी इन योर हार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Click on the subscribe button and stay tuned.